साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं रुशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा जारी है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्स, वार्ड बॉय की कमी है, करोड़ों की दवाई एक्सपायर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की हालत खराब, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगर सपा के काम को हटा दे तो भी सरकार ने क्या किया है, कोई नया काम नहीं हुआ। आज प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की भारी कमी है, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली सरकार ने लैपटॉप दिए, आप लैपटॉप नहीं दे सकते इसलिए टैबलेट बांट रहे हैं। बिजली उत्पादन ट्रांसमिशन में जो काम होना था वह कुछ नहीं हुआ। वही चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम तो हर जगह कमी नजर आ रही है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही है। कोरोना प्रबंधन के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर एक पर है, हमने 100% वैक्सीनेशन सबको किया है, बच्चे जो अनुमन्य हैं वहां भी हम 100% की ओर बढ़ रहे हैं। बजट के मामले में जानते हैं, चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने भारी भरकम बजट आवंटित किया है। लगातार सदन के आज सातवें दिन में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं बिल को लेकर, लगातार अखिलेश यादव का ये कहना है कि चाहे बात इंफ्रा की हो, मेडिकल की हो या फिर किसी अन्य की हो, कहीं पर कार्य नहीं किया गया है। बिजली उत्पाद ट्रांसमिशन में जो काम होना था वो भी कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने लैपटॉप दिया, आप लैपटॉप नहीं दे सकते इसलिए आपने टैबलेट दिया। तो लगातार जो वार आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो सदन में जारी है। बजट पेश होने के बाद ही लगातार विपक्ष आवाजें उठा रहा है, बजट पे कमियां दिखा रहा है। तो वही स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि जो नियुक्ति होनी है मेडिकल कॉलेजों में वो नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहले भी डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। संवाददाता गौरव उस खबर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज सदन में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई है, क्या कुछ विपक्ष ने निशाना साधा है पक्ष पर और बिल पर? देखिए, ऐसा है कि जैसे जब से बजट पत्र पेश हुआ है तब से अखिलेश यादव लगातार सत्तापक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है और लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार के जो भी आंकड़े हैं, चाहे पिछले बजट को लेकर बात करें या इस बजट के लिए बात करें, उनका कहना है कि ये बस सपने के आंकड़े हैं और जब भी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बेसिक शिक्षा पर भी काम नहीं किया जा रहा है, गरीब के बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, जो फीस है वो भी किस तरह से व्यवस्थित की जा रही पता नहीं है, जो बच्चों के यूनिफॉर्म और तमाम चीजों के लिए पैसा दिया जा रहा है वो भी ना काफी है और पहुंच भी रहा है और साथ ही साथ उसका उपयोग किया भी जा रहा है नहीं किया जा रहा, ये भी जरूरी है। तो इस तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लेकर अखिलेश यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेरने प्रयास कर रहा है और इसके पहले भी हमने देखा था, दो दिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी तीखी नोक झोंक हुई थी। तो इस तरह इस समय देखा जाए कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है तो फिलहाल जो 30 दिन का होता है उसमें 9 दिन का केवल विधानसभा सत्र चल रहा है और 9 दिन के लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अगर अब जिस तरह से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि अस्पतालों में जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी और कुछ दिनों पहले ही डॉक्टरों ने हड़ताल भी किया था नए डॉक्टर्स के लिए, तो इसमें क्या कुछ खबरें सामने आ रही है नियुक्ति को लेकर के, कितनी जल्दी नियुक्ति की जा सकती है? बजट के माध्यम से फिलहाल 6,000 पैरामेडिकल स्टाफ, 3,000 चिकित्सकों की भर्ती की बात की गई है
भर्ती कब तक हो पाती है गौरतलब हो, और साथ ही साथ यहाँ पर यह व्यवस्था देखने वाली है कि ब्रजेश पाठक जब से डिप्टी सीएम बने, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला हुआ है उत्तर प्रदेश का, तब से वो लगातार होते निचर भी कर रहा है और समय समय पर जाकर लोगों को निर्देशित भी कर रहा है। और तिरुप्तगढ़ स्टाफ की कमी है, उसके लेकर जो बजट में आवंटन भी किया गया है, तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ स्टाफ पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती जी गौरव, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी, इसके बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के सुनवाई होएगी। बता दें कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने को लेकर याचिका दी गई थी। उस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव। आज के फैसले में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, आज की जो सुनवाई है उस सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आया और क्या कुछ आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दिए गए हैं? देखिए तो मैं आपको बता दूं कि आज दो मामले थे, ये तो मामले जो ज्ञानवापी मस्जिद पुराना मामला चल रहा है उस पर जो फैसला आना था, तो उसकी जो सुनवाई है वो 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक मामला जो है बैरिक महासंघ की जो महामंत्री किरण सिंह गौरव के द्वारा दाखिल की है, याचिका दाखिल की गई थी, उसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने और ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को देने, साथ साथ वहां पर पूरा पूजा करने के अधिकार की बात पर बात की गई थी। वो मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, वो फैसला भी आने वाला है। पर जो ये फैसला और था जो कि आपका सिविल कोर्ट में होता था, जो कि एके बिजनेस के कोर्ट में चल रहा था, उस पर फैसला आ चुका है। 4 जुलाई तक की सुनवाई रखी गई है और कहा जा रहा है कि 4 जुलाई सुनवाई होगी कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें, पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के वकील द्वारा कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस मामले को टाल रहे हैं और सुनवाई का समय बढ़ा रहा है। उम्मीद की जाती फैसला जल्दी आएगा, पर यहाँ पर हर बार नई डेट दे दी जाती है। और जो आज कहा जा रहा था कि आज वीडियो और फोटो भी सार्वजनिक की जाएंगी, वो मामली आज दोनों पक्षों को नहीं दी गई है। तो आने वाले समय में इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी और साथ ही साथ जो फास्ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है किरण सिंह की याचिका पर, उसका फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, बात अगर किया जाए गौरव ज्ञानवापी मामले की, तो ज्ञानवापी मामले को लेकर काफी जो गहमा गहमी का माहौल है वो देखने को मिला था। ऐसे में आज की जो सुनवाई है उसके बाद का माहौल क्या बना हुआ है काशी में? माहौल काफी है, फिलहाल सामान्य है, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्वे भी हुआ था, 6 से 8 बजे सर्वे हुआ, उसका सर्वे पर रोक लग गई थी, उसका फिर सर्वे शुरू हुआ तो सर्वे हुआ है। और निश्चित रूप से शासन की पूरी व्यवस्था वहाँ पर चाक्चौबंद है, जहाँ पर शिवलिंग की बात कही जा रही थी वह फुब्बारे के आसपास ही बजू खाने को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। तो साथ ही साथ यहाँ पर याचिका का दौर भी जारी है, क्योंकि इस ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है ये बहुत पुराना विवाद है। इसके पहले 1991 में याचिका दाखिल की गई थी, इसके बाद स्टे लग गया था, पर पिछली बार 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी कि वहाँ पर हमको पूजा करने का अधिकार जो साल में एक बार मिलता है उसको हमको लगातार दिया जाए। इस पर लगातार सुनवाई जारी थी, इसी पर लगातार और उन्होंने सर्वे की मांग भी की थी, सर्वे हुआ उसके बाद सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि बीच में अजय मिश्रा जो कि सर्वे कोर्ट कमिश्नर थे नियुक्त किए गए थे तीसरे, उनको हटा दिया गया था। उसके बाद तमाम तरह की बात लीक हुई थी और जो फोटो या वीडियो वो भी लीक हुए थे, उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज जो कमिश्नर जो कोर्ट है जिला अदालत है वहां पर एक विस्तृत फैसला दिया है 4 जुलाई को सुनवाई होगी। पर साथ ही साथ जो एक अन्य याचिका जो है जो किरण सिंह द्वारा डाली गई है, जो कि अखिल भारतीय वैदिक महासंघ की महामंत्री है, उन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद गौरव। परिवर्तन चौक पर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी है, जहां 7800 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है और जबरदस्त हंगामा काटा गया। इस दौरान प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जहां एक तरफ जो अभ्यर्थी है वो अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर परेशान है, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, क्योंकि उन्हें तैयारी करने में काफी वक्त लगता है। वो तैयारी करते हैं, एग्जाम कर देते हैं, सारे प्रोसीजर तो फॉलो करते हैं, लेकिन बाद जब नियुक्ति पत्र देने की आती है तो उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी उसमें खासा आक्रोश देखने को मिला। और जो महिला अभ्यर्थी है वो बड़ी संख्या में मौजूद रही इस प्रदर्शन में। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, क्या चल रहा है अभी प्रदर्शन को लेकर, अभ्यर्थियों से क्या किसी ने मुलाकात की, अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, कोई भी जिम्मेदार है इस मामले पे तैयार है एक्शन लेने को? उत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 और 19 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें तमाम जो छात्र थे वो अपने अभ्यर्थी के तौर पे उस एग्जाम को दिए, जिसमें आपको बताएं कि 69,000 शिक्षक जो थे उसमें जो शिक्षक की नियुक्ति दी हो गई उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, साथ ही साथ उसमें त्रुटि संशोधन घोटाला आया, आरक्षण घोटाला आया। तो जो आरक्षण घोटाला के 6,800 अभ्यर्थी थे वो बीते लगभग 70 दिनों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम जिम्मेदारों से मिल चुके थे, तमाम जो संबंधित लोग हैं उनसे मिल चुके थे, लेकिन उनकी तमाम चेतावनियों के बाद जब उनकी तरफ से प्रशासन को चेतावनी दी जा रही थी, इको गार्डन में वो अपना अस्थायी रूप से डेरा जमा बैठे थे, तो उनकी तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। मगर आज सुबह 10 बजे एकाएक सैकड़ों की संख्या में परिवर्तन चौक पर ये 6,800 जो 69,000 शिक्षक भर्ती में से जो आरक्षण घोटाले वाले हैं, जो आरक्षण की कुछ पेच फंसी है जिसको लेकर उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, ये अभ्यर्थी आज परिवर्तन चौक पहुंच गए। और आपको बताएं कि अभी महज आधे घंटे पहले अभ्यर्थी वहां से लौटे हैं, मगर कोई भी जिम्मेदार उनसे नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन के और अभ्यर्थियों के बीच जब उनको हटाने का प्रयास किया गया तो नोकझोंक भी हुई, और नोकझोंक के दौरान कुछ लोगों को वहां से कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन वहां से हटा रही थी, मगर संख्या इतनी थी कि हटाना नामुमकिन था। लेकिन विभांशु, जो अभ्यर्थी है वो लंबे समय से प्रदर्शन करते चले आ रहे, कभी SCERT कार्यालय से लेकर कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इन अभ्यर्थियों से मुलाकात भी कर रही थी, सबके दावे और वादे थे। जब बिल आए हैं बिल में भी अभ्यर्थियों की बात की गई है, कहां से कमी हो रही है, आखिर क्या कुछ वजह सामने निकल कर के आ रही है कि इन अभ्यर्थियों को जो इनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है? जी आपको बता दें कृष्णा की आपने पिछली सरकार में देखा कि सतीश द्विवेदी के आवास पर अस्थायी रूप से ये अभ्यर्थी वही धरना देते रहे, तमाम ऐसे जगहों पे उनपे लाठीचार्ज भी हुई 10-90 पे लखनऊ राजधानी के अंदर में। मगर आपको बताएं कि चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे अपने मैनिफेस्टो में भी रखा गया था, मगर अब सरकार अगर तत्कालीन सरकार की बात करें तो तत्कालीन सरकार लगभग आज साल भर हो गए और इस पे आंख मूंद कर बैठी हुई है। वही आपको बताएं कि जब चुनाव के नतीजे घोषणा हो गई थी तो उस समय कुछ अभ्यर्थियों से संबंधित लोग मिले और साथ ही साथ उन्हें आश्वासन दिया, मगर चुनाव बीतने के बाद ना ये सरकार ने इनके लिए सोचा और अभ्यर्थी ना ही शांत बैठे। इनका प्रदर्शन अभी भी अगर देखें तो चुनाव के दौरान वो शांत रहे, मगर चुनाव बीतने के बाद एक बार फिर वो मैदान में लौट गए और अपने मांग को लेकर फिर से आवाज उठाने लगे। और आज लखनऊ के परिवर्तन चौक में आपने देखा कि दिव्यांग में अगर देखे तो दिव्यांग और अगर देखे तो SC ST समाज से आने वाले अभ्यर्थी खासकर आज के प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, क्योंकि ये प्रदर्शन रिजर्वेशन घोटाले का है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार उनको वहां खोलकर अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए, उनके मंडल को बुलाना चाहिए और विचार विमर्श करके और उन्हें न्याय चाहिए। जो फैसला जी बिल्कुल, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। शाहजहांपुर में भारी पुलिस बल और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में नगर के मुख्य मार्ग बनखंडीनाथ मंदिर से लेकर चित्रा टॉकीज मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए बुलडोजर को रोकना पड़ा, जिसके बाद नगर आयुक्त से बात की गई और कार्यवाही शुरू की गई। एक तरफ जहां लगातार आदेश दिया गया है अतिक्रमण को हटाने के लिए और लगातार नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए भी जा रहे हैं, तो इसी के साथ साथ जो अधिकारी हैं नगर निगम के उनको काफी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है स्थानीयों का। केवल एक ही मांग है कि जो दुकानदार है या मकान है जिनके, उनको चालने का रास्ता दी जाए और बजाय अतिक्रमण जो है चार खंभे से चालू किया जाए। हमारे नगर आयुक्त साहब ने कहा कि चार खंभे से चालू किया जाएगा ठीक, और जो चढ़ने की जगह है उसके सबको दी जाए। दिशा निर्देश सिर्फ ये है कि अगर किसी के मकान का निकास हो, अगर उसको तोड़ने से वो व्यक्ति मकान घर वाले मकान से निकल ही ना पाए तो उसको अभी नहीं छोड़ा जा रहा, उनको नोटिस दी जाएगी कि आप अपना स्वयं करा के जाल लगा लें। एक चीज़ दूसरे, कुछ मकान जर्जर हैं जो कि पिलर पे टिके हुए हैं, पिलर भी जर्जर है, तो
जहाँ ऐसी आशंका है कि तोड़ने इधर कि जहाँ ऐसी आशंका है कि तोड़ने से पिलर डैमेज हो सकता है या मकान गिर सकता है वो जगह छोड़ा जा रहा है, मकान वालों को नोटिस दी जा रही है। तीसरा जो मेडिकल वो है जैसे हॉस्पिटल वगैरह है तो उनको वार्निंग दे दी गई है कि जैसे पेशेंट आते हैं एम्बुलेंस आती है वो आती है तो वो स्वयं अपना जाल लगा ले, हम लोग नहीं तोड़े, उनको एक दो दिन का समय दिया गया है। संवाददाता रमेश चुटन शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, किस तरह के जो निर्देश है वो दिए गए हैं अतिक्रमण हटाने के पहले या फिर अतिक्रमण हटाने के बाद, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं स्थानीय लोगों को? बिल्कुल शीतला, आपको बता दूं शाहजहांपुर में भारी सुरक्षा पुलिस बल के बाद नगर अधिकारी की मौजूदगी में नगर के मुख्य मार्ग बनखन्या मंदिर से लेकर के चित्रा टाकीज मोड़ तक अतिक्रमण को हटवाया गया है। अब वहीं कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है तो उसमें प्रशासन से जब बात की गई तो उन्होंने जो है ये बताया है कि जो मतलब अस्पताल है या कुछ मकान है उनके चौतरे जो है 2-3 दिन के लिए रोक दिए गए हैं और उनको जो है एक नोटिस दे करके उनको उसका क्या नाम जो हल निकालने का आदेश दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रमेश। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।